हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स इसका हिंदी मीनिंग है लोकोक्तियाँ या मुहावरे। लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से जो भाषा कौशल है उसमें चार चांद लग जाते हैं और जो वक्ता होता है वो श्रोता तक अपने संदेश को, या यूँ कहें कि अपने मन की अभिव्यक्ति को, कम शब्दों में ही व्यापक रूप से पहुंचा पाता है, यानी कि गागर में सागर भरने का काम कर देता है। तो यहाँ कुछ प्रोवर्ब्स दी गई है, आइए हम इनको सीखते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है गुड माइंड गुड फाइंड, हिंदी में आप भला तो जग भला। यानी कि जब हम ये कहते हैं किसी को कि अगर आप सही हो तो आपके लिए दुनिया सही है, तो उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। नेक्स्ट प्रोवर्ब है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। जब हम किसी को कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, अंत सही हो गया, यानी कि काम अपना सकुशल संपन्न हो गया, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट प्रोवर्ब है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एम्प्टी का मतलब खाली, वेसल बर्तन, साउंड्स ध्वनि करता है, मच बहुत ज्यादा। तो अधजल गगरी छलकत जाए, हिंदी में क्या हो गया? अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिसके पास कम ज्ञान होता है वो ज्यादा बखान करता है। नेक्स्ट है ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट, ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट, सांच को आंच नहीं। लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि सांच को आंच नहीं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट। नेक्स्ट है हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी काम शैतान का, जल्दी काम शैतान का। जो जल्दी करते हैं उनका काम बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट प्रोवर्ब है लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, बीती ताही बिसार दे, बीती ताही बिसार दे का मतलब जो कुछ हो गया वो हो गया, अब आगे अपने को मामले को सुधारना है। कई बार जैसे दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया, दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो गया, तो समझाने वाला कहेगा कि बीती ताही बिसार दे, यानी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस बात को यहीं ख़त्म करो और आगे से अच्छे संबंध बना के रहो। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, यानी कि जो हुआ सो हुआ, बीती ताही बिसार दे। ओके, नेक्स्ट है ए ड्राउनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रो, ए ड्राउनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रो। वापस देखिए ए ड्राउनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रो, डूबते को तिनके का सहारा। ये कहावत आपने हिंदी में खूब सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। जैसे राम कर्ज में डूब चुका था और उसी टाइम पे उसको उसके खेत में एक गड्ढा हुआ धन मिल गया, तो उसको डूबते को क्या मिल गया? तिनके का सहारा मिल गया। तो उसको हम कहेंगे ए ड्राउनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रा। नेक्स्ट है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, हिंदी मीनिंग तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, यानी कि आपकी हैसियत के अनुसार ही आपके खर्चे होने चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने ये 8 प्रोवर्ब सीखी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें।
ताकि आगे भी आपको और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।